तो फ्रेंड्स लेट से उठी हूँ, हर काम लेट होगा तो मेरी सजा तो होनी चाहिए ना कि लेट। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स ये मंडे का गुड मॉर्निंग है और एक्चुअल में मैं काफ़ी लेट उठी थी, 9:30 बजे उठी थी। और बोलते हैं ना कि थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बढ़ कभी हो रहा है ना, जिसके कारण से मेरी तबीयत भी थोड़ी बीच बीच में डाउन हो जा रही है। और वो सब मैं अपना शेयर नहीं करती हूँ कि मैं कब बीमार हुई क्या हुई। तो बस उठी तो सबसे पहले मैं सोची चलो गर्म पानी पी लेती हूँ। और सुबह मेरी बेटी पापा को एप्पल वगैरह दे दी थी कट करके, और वो भी अपना ब्रेकफास्ट कर ली थी। और यहाँ पे मैं फ्रूट और एक बॉयल की हूँ, तो देसी अंडा ही देती हूँ इनको, क्योंकि डॉक्टर भी बोले हैं और खाना भी चाहिए। तो कार्तिक में नहीं खाती हूँ फ्रेंड्स, मगर बोलते हैं ना हेल्थ है तो उसके बाद ही सब रूल्स फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे करते करते तो काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि उठ करके मेरा बस यही रूटीन है कि मुझे क्या क्या सबको देना है। तो यहाँ पे मौसमी का जूस निकाली और फ्रेश जूस निकाल रही हूँ और सबको दे रही हूँ। और काम का तो क्या है ना, झाड़ू पोछा बर्तन का मुझे टेंशन नहीं होता है, बस घर में सबका केयर रखना ही मेरा काम है, सबका ख्याल रखना। अभी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो रहा है। और बोलते ना ज्यादा अच्छे होने का नाजायज फायदा हम लोग उठाते हैं, हम लोग नहीं बहुत समझते भी हैं कि मेरी प्रॉब्लम इस वजह से कोई उठाया नहीं और काफी लेट हो गया। तो बस भाग भाग के जल्दी जल्दी सब कुछ तो हो गया है जो भी मॉर्निंग रूटीन होता है, पर यह है कि आफ्टरनून की रूटीन जो है वो काफी डिले चलेगी। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, मैं चाय पी लूँ, नहीं तो ये भी ठंडा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स लेट से उठी हूँ, हर काम लेट होगा तो मेरी सजा तो होनी चाहिए ना कि लेट से चाय, लेट से नाश्ता और सेहत डाउन। और फ्रेंड्स इस बीच में मेरा फ़ोन का भी काम चल रहा था, तो सारे काम करते हुए फ्रेश होने के बाद फिर आप लोगों से मिल रही हूँ। तो इस टाइम मैं खाना भी बना ली थी और खाना खा भी ली थी और बातें भी कर रही थी कि आज तो काम ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी दवा लेती हूँ ना मैं, एलर्जी का दवा लेती हूँ, जिसके कारण से मैं बहुत कम काम कर पाती हूँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ना मैं खाना खाई, क्योंकि पहले सबको मैं बोल रही थी कि खाना खा लो खाना खा लो, कोई खा नहीं रहा था, 3 बज रहा था। तो मैं अपना चुपचाप खाना खाई और पर मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। अभी 4 बज रहा है तो अभी दोनों लोग खाना खा रहे हैं, मतलब पापा और बेटी दोनों साथ में खा रहे हैं। पर छोटी को खिचड़ी पसंद नहीं है, अच्छा नहीं पसंद है बहुत, थोड़ा मतलब होता ना कि थोड़ा सा खा लो बेटा, तो वो थोड़ा सा खा रही है। बाद में इसको मैगी खुद बनाएगी या मुझे बना के देना पड़ेगा पता नहीं, पर बाद में मैं मैगी बना दूंगी। कब से बोल रही हूँ नहीं खाना है तो मैगी बना लो, पर बनाई भी नहीं। अब लास्ट में फिर लास्ट में बस थोड़ा सा खिचड़ी खा लो, क्योंकि 4 बज रहे हैं। और मेरा ना जब बैक सामने से जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तो मेरे फोन का कैमरा उतना अच्छा नहीं है, वरना अगर मैं और बाहर जाऊँ ना तो फोटो तो जरूर अच्छा आएगा, पर सच में मैं कैसा फेस लग रहा है आपके पास, काला हर जगह अजीब अजीब सा लग रहा है। और फ्रेंड्स इस बार तो पता नहीं, बोल रहे हैं कि अभी से ही लग रहा है कि दिवाली की डीप क्लीनिंग तो मैं न कर पा रही हूँ न किसी से करवा पा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है। और ये शाम का टाइम का है, तो बेटी को मैगी खाना था तो वही बॉयल मैगी बनाई, क्योंकि बोलते हैं ना आज मैं बोली कि सब्जी वाला मेरा मूड नहीं कर रहा है, तो वही बॉयल बनाई तो थोड़ा थोड़ा खा लिए और बातें भी हो रही थी। और बोलते हैं ना कि सफाई करो, फिर एक दिन सफाई करो तो एक दिन बीमार होना तो ज़रूरी है, पर वो सब मैं शेयर नहीं करती आप लोगों के साथ। पर आज मैं बिल्कुल रियल ब्लॉग आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे फ्रिज क्लीन तो पहले की थी, पर मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि इस तरह से कांच के ऊपर ना इस तरह से मैट रख दें तो आपका फ्रिज जल्दी गंदा भी नहीं होगा। जब कुछ गिर भी जाए तो सिर्फ मैट निकाल के क्लीन कर लीजिए। तो ये बहुत ही यूजफुल टिप्स हैं किचन के लिए, फ्रिज के लिए। और फ्रेंड्स से उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाई, ये मॉर्निंग का यानी मंगलवार का आज का ब्लॉग है। सुबह उठी तो जो भी था जूस फल, तो वो तो रूटीन का डेली का है, तो वो सब हो गया। और यहाँ पे भिंडी की सब्जी, रोटी और दही, मैं अपने जिसको जैसे भी खाना है खा लो, क्योंकि आज तो मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग करूँगी क्योंकि टाइम बहुत कम हो रहा है। और ये फ्रेंड्स ये वीडियो ना आप लोग को बुधवार को जाएगा, और मंगलवार का मेरे पास कोई वीडियो नहीं था, यानी ओल्ड वीडियो तो बहुत पड़े थे, मैं अपनी घर का वीडियो देख के सब लोग बोर हो रहे हैं तो एक ओल्ड वीडियो होटल का डाल दी थी,
और यहाँ पे कपड़े भी धुल रही हूँ और ये ब्लिंकिट से सामान भी आया है। तो एक्चुअल में अभी बाहर जा नहीं सकते, नहीं तो गाड़ी से जाते थे हस्बैंड के साथ तो ढेर सारा सामान लेकर आ जाते थे। तो कुछ किचन का राशन अगर ख़त्म है तो वो भी ऑनलाइन ही मंगा लेती हूँ, और स्पेशली स्प्रॉट और फ्रेश आइटम के लिए ही यूज़ करती हूँ ब्लिंकिट, और बाकी तो सब कुछ घर में बैठे मिल ही रहा है ऑनलाइन। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स कि पर्दे मैं खोल रही थी तो खिड़की के पर्दे तो खुल गए पर दरवाजे के पर्दे मेरे से नहीं खुले, क्योंकि ये काम मेरे हस्बैंड का था, वो अभी दोनों हाथ से नहीं काम कर पा रहे इस वजह से नहीं खुला। तो मैं ये बोले कि छोड़ दो, मेरे से खुला ही नहीं, अब किसी को बुला करके दरवाजे इसका पर्दा खुलवाओ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अभी जाने दीजिए, बाद में जब ठीक हो जाइएगा तब खोल दीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत वगैरह डस्टिंग वगैरह करना था वो मैं कर दी, मेन क्या होता है पंखे और झूमर क्लीन करना था तो मैं वही कर दी। उसके बाद कोई वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि बहुत काम फैला हुआ था फ्रेंड्स। और शाम में यहाँ पे सैंडविच बनाई थी क्योंकि बेटी को खाना था, बिटिया रानी को सैंडविच, तो वही बनाई तो थोड़ा तो मैं भी खा ली, जो भी बनाती हूँ मैं तो खा ही लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वीडियो एंड कर देती हूँ क्योंकि आप देख सकते हो मैं सामने से क्यों नहीं आ रही थी, मेरी हालत कैसी है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलती हूँ फ्रेंड्स अच्छे से ब्लॉग में।